बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रफीश रेली सदरी वयसी भी अमरी वहल उगदत मिल लिसानी अफकहु कौली मोहतरम आमदानी मुक्तब और बुलबुलानी में अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस अजीब शख्सियत के बारे में लब को शाय करने जा रही हूँ जो तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अजीब रहनुमा और मुदब्बिर की हैसियत रखता है जिसका नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बरसगीर पाक और इनके मुसलमानों में आजादी का जज्बा पैदा किया। इन्हें अपने बुजुर्गों के कारनामों से आगाह किया, फरमाया वो जमाने में मुअज्जिज़ थे मुसलमान होकर और हम हवाल हुए तारिक कुरान होकर। इकबाल ने शायरी के जरिए सोए हुए मुसलमानों को जगाने की कोशिश की और फरमाया कि जब तक मुसलमानों में ईमान की कुव्वत बेदार नहीं हो जाती वो कामयाब नहीं हो सकते। फरमाया आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, आज तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सनाओ वलताओ सुबाबा है मेरे साथियों। इकबाल को तलवार से बड़ी उम्मीद से वाबस्ता थी। वो फरमाते थे तलवार इस मुल्क का कीमती सासा है। फरमाया नहीं तेरा नशे मुनकसरी सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशे मुनकसरी सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल ने मुसलमानों को उदारी अमल ईमान और इलम का दर्स दिया है। इन्होंने तमाम दुनिया को करीब से देखा और मुसलमानों को आगाह किया कि हकीकी मुसलमान बनकर हम दुनिया में ऊंचा मकाम हासिल करेंगे। आइए एक करें कि इकबाल के प्याम पर अमल करके दुनिया में बुलंद मकाम पैदा करेंगे। इस शेर पर इजाजत चाहती हूँ कि लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो जाए मेरी। वसलाम।